तो भाई यहाँ पे जो बारिश होगी तो उससे आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन शीट है ये बिल्कुल स्टैंड के आखिरी स्टेप तक जो है आप लोगों को कवर करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह टॉप से जो है इस पूरे स्टेडियम का सिनेमैटिक व्यू दिखाने वाला हूँ, जो कि लेटेस्ट व्यू है, आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं दिखाया होगा, और आई होप आप लोग इन्जॉय भी करोगे। साथ में कुछ छोटे मोटे अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज की वीडियो जो है ये दो दिन पहले की है, इसलिए कमेंट सेक्शन में भाई आप लोगों ने लड़ना झगड़ना नहीं है मेरे साथ कि पुरानी वीडियो है ये वो, भाई पहले से बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आप लोगों ने आज तक कहीं पे भी ये अपडेट्स नहीं देखी होंगी, और साथ में जो है सिनेमैटिक व्यू भी दिखाने वाला हूँ। यार कितना ओल्ड है, सिर्फ दो दिन पहले की वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो वीडियो को यार इन्जॉय करो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में जो है फिर मैं जाके आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर कर दूंगा। जो कि रिमेनिंग ट्रसेज हैं आप लोगों को याद है ना, सामने वाले पवेलियन के पास वाले स्टैंड पे, तो वो सब लग चुके हैं मैंने सुना है। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा। तो ये एक अपडेट रह गई है मुझसे, तो इसको इन्जॉय करो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। गेट आप देख सकते हैं कि एक स्टेडियम की तरफ आउटसाइड जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पे भी जो है लेफ्ट राइट आप लोगों को वॉशरूम दिखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी है और इस तरफ भी आई थिंक है, ठीक है। तो साथ ही में ये देख सकते हैं कि बहुत सारे केबल ट्रेस यहाँ पे इन लोगों ने रखे हुए हैं, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि केबल ट्रे का काम भी स्टेडियम में बाकी था लेकिन इन लोगों ने अब कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे था को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम था केबल ट्रे का इन लोगों ने कम्प्लीटली कर लिया, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो स्टैंड्स पे काम है सफाई का वो लोग कर रहे हैं, और ये एरिया जो है इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखें मटेरियल तैयार हो रहा है। तो चलते हैं भाई, मैं थोड़ा सा ऊपर विजिट कर लेता हूँ इस मेम्ब्रेन शीट वाले स्टैंड पे, आप लोगों को जो है ओवरऑल पूरे स्टेडियम का एक सिनेमैटिक व्यू दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो रिमेनिंग अपडेट्स हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं भाई, हमारे साथ रहिए। गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में स्टैंड दिखाया था, सॉरी स्टैंड तो इसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो एक छोटा सा एरिया इनसाइड रह गया था, यहाँ पे इन लोगों ने देखें पलस्तर का काम कर लिया, और ये जो है ऊपर जाने के लिए है सेकंड स्टैंड पे, ये स्टेयर है तो इसके थ्रू मैं ऊपर जाने वाला हूँ। मैंने सोचा साथ में आप लोग को ये काम भी दिखा देता हूँ। तो चलते भाई, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं ऊपर जब भी जाता हूँ आप लोगों को जो है जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी भी प्रैक्टिस सेशन शुरू है, कुछ रनिंग कर रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऊपर नट्स में। तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह लश एंड ग्रीन है आज भी इस सर्दियों में भी, और काफ़ी शायकीन है भाई यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, जो कि देख रहे हैं कि लोग कैसे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। भाई मैं आ चुका हूँ ऊपर स्टैंड पे, यानी बी स्टैंड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हर एक स्टैंड पे जैसे ही आप लोग आओगे तो सामने आपको काफ़ी सारा गैप दिखेगा, क्योंकि स्टैंड का जो एरिया है वो तो यहाँ तक ही है, लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ये लोग ग्रिल लगाएंगे, ठीक है, सेफ्टी ग्रिल हर एक स्टैंड पे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये स्टैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लेबर्स अभी भी लाइव गैप फिलिंग का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे गैप आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिस तरह की ये दो मेम्ब्रेन शीट्स की गैप इन लोगों ने बंद कर दिए, तो इसी तरह जो है रिमेनिंग जितना भी है ये भी आज या कल ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई एक सिनेमैटिक खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करें, उसके बाद जो है इंशाल्लाह वीडियो को फिर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए भाई इंजॉय कीजिएगा।
आई होप आप लोगों ने सिनेमैटिक व्यू को तो इंजॉय किया, लेकिन अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये जो ये वो गैप्स हैं इन लोगों ने जो फिल किए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये आफ्टर गैप फिलिंग। और बाद में ये जो बाइंडिंग का जो काम है, ये छोटा मोटा मटेरियल है, ये लोग फिर हटा देंगे, ठीक है, ये लोग फिर क्लियर कर देंगे। इसका भी एक क्वेश्चन मुझे आया था कमेंट सेक्शन में, तो इसका जो है सफाई का काम फिर करेंगे, ये बाइंडिंग का जो मटेरियल है इसको फिर हटाएंगे, ठीक है बाद में। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने देखा बाउंड्री फेंस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये एक दो तीन एरिया बाकी है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, तो बाकी ओवरऑल पूरे स्टेडियम में बाउंड्री फेंसेस का काम कितना खूबसूरत लग रहा है देखें, बाद में इसको फिर पेंट करेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा, ठीक है ये। तो देखें यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इन लोगों ने स्टेडियम में बाउंड्री फेंस को भी लगा दिया, और हाँ आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चला इन लोगों ने बाउंड्री फेंस का काम भी स्टेडियम में कम्प्लीट कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेडियम में काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और ये स्टेडियम जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे चेयर्स का काम भी हो जाएगा और यहाँ पे जो ये रिमेनिंग प्रोसेस है स्टैंड पे ये भी लग जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा टॉप पे आ चुका हूँ, यानी बिल्कुल आखिरी स्टेप पे आ गया हूँ कॉलम्स के पास। यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि आपके ऊपर किस तरह लगेगा ये शीट, मेम्ब्रेन शीट। तो भाई यहाँ पे जो बारिश होगी तो उससे आप लोग बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन शीट है ये बिल्कुल स्टैंड के आखिरी स्टेप तक जो है आप लोगों को कवर करेगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम के आउटसाइड जो है कुछ ख़ास काम नहीं हुआ, जो आपको हॉस्टल नज़र आ रहा है इसके अंदर टाइल्स का काम आप देख सकते हैं ये तो हो चुका है, और टफ टाइल का काम भी माशाल्लाह हो गया है। सिर्फ यहाँ पे आउटसाइड रोड का काम बाकी है, जो कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये लोग रोड बनाएंगे प्रॉपरली, और बाकी टफ टाइल का काम बाहर भी हो चुका है। तो आउटसाइड सिर्फ जो कलरिंग का काम था वो हुआ है और कुछ ख़ास काम नहीं हुआ। तो आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और अच्छे नए काम के साथ। तब तक के लिए शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।